Good morning, students. This is Adab Singh, and I will teach you ES. Our first chapter of the book is our cadet system. आगे जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा cadet system क्या होता है. हम सभी जानते हैं कि हमारी जो body है उसमें there are various kinds of bones. क्या आपको पता है कितने bones हैं? हमारी body में है 206 bones. जब 206 bones एक साथ मिलके किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है then the whole system is known as skeletal system. अब skeletal system का फंक्शन क्या है? Skeletal system का सबसे बड़ा और जो मेन फंक्शन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना. सेकेंडली ये हमें एक रिजिड फ्रेमवर्क देता है. उस फ्रेमवर्क जिसके जिस वजह से हम सीधे खड़े हैं या सीधे बैठ सकते हैं, हम हमारे बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं. अगर बोन्स हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी अनबैलेंस होगी. हम अपने आप को बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाएंगे. हम बैठे बैठे हम गिर सकते हैं. कुछ भी हम नहीं कर सकते विदाउट अवर स्केलेटल सिस्टम. अब कौन कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है इसको याद है? द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड अवर बॉडी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है. अब ऑर्गन्स क्या होते हैं बता सकता है? ऑर्गन वो होते हैं जैसे कि ब्रेन, लंग, हार्ट, किडनी, स्टमक, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं. तो स्केलेटल सिस्टम क्या करते हैं? इन्हीं ऑर्गन्स को इंटरनली प्रोटेक्ट करती है. इंटरनल ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है. तो मूविंग स्केलेटल सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कौन कौन से वेरियस पार्ट होते हैं स्केलेटल सिस्टम के वो आपको समझा देता हूँ. सबसे पहला पार्ट है स्कल, वर्टिब्रे कॉलम, रिब केज, हिप गर्डर एंड लिंब्स. ओके, अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में. स्कल क्या होता है? तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं जिससे क्या आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बच्चों ये जो पूरा हम आपको इमेज देखिए, पूरा हमारा सिस्टम जो है वो हमारा क्या है? स्केलेटल सिस्टम है. देखिए ये पूरा सिस्टम हमारा स्केलेटल सिस्टम है. अभी जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हम करेंगे हमारे स्कल के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्कल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, उसके वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स क्या होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम स्कल के बारे में तो स्कल इज द टॉप मोस्ट पार्ट है. ये पूरा टॉप मोस्ट पार्ट है. वैसे पूरा स्कल है पर लेकिन टॉप मोस्ट पार्ट को हम स्कल के नाम से जानते हैं. इसी के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है. इसीलिए स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है. वैसे तो जो स्कल है ये पूरी 22 बोन्स से बनता है जिसमें जो अपर पोर्शन जो स्कल है उसमें 8 फैटी बोन्स होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन इनक्लोज रहता है. फिर आता है हमारे आई सॉकेट एंड द अपर एंड द लोअर जो अपर जो होते हैं वो हमसे फिक्स होते हैं. इस इमेज में अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं. दिस वन ओके, ये हमारा स्कल का टॉप मोस्ट पोर्शन है. दिस इज द आई सॉकेट, दिस इज द अपर जॉ एंड दिस वन इज द लोअर जॉ. अब स्कल का जो फंक्शन होता है आई सॉकेट हमारे आई से प्रोटेक्ट करते हैं. अब द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ जो बाकी जो रेस्ट 14 बोन्स जो होती है 22 में से 8 बोन्स तो हमारे टॉप अपर स्कल में रहती है जो कि मेंटल जो कि फैटी बोन्स होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है. वेयर एज बची 14 पॉइंट बोन्स होती है उनसे मिलकर हमारा अपर जो एंड द लोअर जो फॉर्म होता है. अपर जो जो होता है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अपर जो वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है. ओके, और जो लोअर जो होते हैं ये मूवेबल होते हैं. इसी वजह से आप खाना चबा सकते हो, आप बोल सकते हो, है ना. ये किसकी वजह से होता है? हमारे लोअर जॉ की वजह से. समझ में आ गया? इसका मतलब 22 बोन्स है, 8 जो बोन्स है वन द अपर पार्ट ऑफ द स्कल जो कि फ्लैटी बोन्स है जो कि हमारे ब्रेन को इनक्लोज करके प्रोटेक्ट करके रखती है. वेयर इज द रेस्ट ऑफ द 14 बोन्स मिलकर हमारे अपर जॉ एंड द लोअर जॉ को फॉर्म करती है जिसमें कि अपर जॉ मूवेबल नहीं होता है. वेयर इज द लोअर जॉ ही मूव करता है जिससे कि आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो, अपने टंग को हिला सकते हो, प्लस अपना खाना भी चबा सकते हो. मतलब च्यू कर जब आप खूब च्यू कर रहे हो कह रहे हैं लोअर जॉ की हेल्प से ऐसे कर रहे हो. ओके, गॉट इट. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज
दैट इज पेज और द वर्टिकल कॉलम। द सेकंड टॉपिक इज वर्टिकल कॉलम। अब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है वर्टिकल वर्टिकल कॉलम। तो ये आपके स्केलेटन सिस्टम का ये वाला पोर्शन है ओके, जिसको कि हम बैकबोन के नाम से जानते हैं, स्पाइन के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रे कॉलम। अब वर्टिब्रे कॉलम का फंक्शन, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रे कॉलम इज इट प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक मैसेज सेंड करती है। इसके साथ ये हमें एक फिक्स रिजिड फ्रेमवर्क भी देते हैं जिसके हिसाब से सीधे बैठ सकते हो या सीधे चल सकते हो ओके। अब वर्टिब्रे कॉलम जो होता है वो 33 irregular shaped bones से बना होता है। कितने 33 irregular है। irregular का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी bones की जो width है, shape है, size है वो एक जैसा नहीं, irregular है। और इसको अच्छे से आप जो image समझ पाएंगे कैसी होती है vertebrae column, कुछ इस तरह की होती है ओके। देखिए एक जो vertebrae column में 33 bones है कोई भी एक तरह की है नहीं है, सबके अपने सबका अपना अपना अलग अलग शेप एंड साइज है। तो जिस वजह से इसको हम से बोलते हैं 33 इररेगुलर शेप बोन्स ओके, गॉट इट। अब इसमें एक और चीज होती है कि जो वर्टिब्रे कॉलम है जैसे साइड व्यू है ना, तो साइड व्यू तो मैंने आपको बताया कि 33 इररेगुलर शेप जो है उससे बनकर बनी मिलकर बनी, पर ये आपस में फ्यूज नहीं है या तो आपस में कड़ी होती है, आपने हिंदी में उसको कड़ी बोलते हो, जो चेन होती है कड़ी होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें आपस में इंटरलिंक होती है, इसलिए आप उसको मोड़ सकते हो, चाहे आप उसको मोड़ सकते हो कहीं बांध सकते हो, किस वजह से क्योंकि आपस में इंटरलिंक है। ठीक वैसे ही हमारी वर्टिब्रे कॉलम में इंटरलिंक है, जिसकी वजह से आप बैंड कर पाते हो, मूव कर पाते हो, साइड मूव बैंड पूरे हो जाते हो, इसकी वजह से इस इंटरलिंक जो इसकी फॉर्मेशन उसकी वजह से ओके। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिब्रीज। रिब्रीज को मैं आपको रिब्रीज क्या होता है, जो हमारा जो हमारा जो जो सामने का चेस्ट वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर आपने कुछ आपने कोई फील किया होता है, यहाँ पर बोन्स होती हैं, इसी को हम बोलते हैं रिब्रीज। और इसको अच्छे से हम इमेज के थ्रू देखते हैं कि रिब्रीज होता क्या है। ये पढ़ेंगे।
इसी के साथ मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा जिसमें आपका होमवर्क होगा।